छह नंबर पांच क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क वाला सवाल हो गया था, हो गया सारे इंटेंजिबल्स, उसमें ओसीआई नहीं मांगा हुआ था, पीएनएल खाली मांगा हुआ था। तो कितने लोग ये देख रहे थे कि ओसीआई शो नहीं किया हुआ, जिन्होंने होमवर्क किया उनसे बात कर रहा हूँ। ओसीआई असल में शो नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या मांगा हुआ था, पीएनएल मांगा हुआ। यही सवाल हमने करना है, लेकिन आज आईएस 12 के एडजस्टमेंट्स डाल के करना है। तो IS 38 जरा निकाल लें, पहले इसको जरा नजर मार लेते हैं थोड़ा। कौन सा सवाल था? 11 तो नहीं था, 11 था। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अगर इनको चुप करा दें तीनों को, अगर कॉस्ट मिनिमल होगी तो फिर रिन्यूअल पीरियड को डालेंगे लीगल लाइफ में, वरना नहीं डालेंगे। एक लाइसेंस, ये आई अज्यूम के घर से पढ़ा हुआ, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई मसला नहीं। लाइसेंस कितने का खरीदा? 200 का। ये कितने साल फायदा देगा? ये तो कौन सी लाइफ हो गई, ये खरीदा कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। रिन्यू कितने में करा सकते हैं? रिन्यूअल विड अलाउ एसएल टू यूज द लाइसेंस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years। अब मुझे बताएं, सिर्फ इन दो चीजों को हाईलाइट करके डिसीजन लिया करना है। क्या यूजफुल लाइफ 12, लीगल 10, जमा 5 लेनी है या नहीं लेनी? अगर 10 जमा 5 लेनी हुई तो मैं 5 लिखा रहने दूंगा, 10 जमा 5 ना लेनी हुई तो मैं 5 काट दूंगा, इसलिए मुझे 10 जमा 5 लिखने दें, खैर है। क्या 65-200 के मुकाबले में बिल्कुल मिनिमल है, ना होने के बराबर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मिनिमल तो नहीं है। तो इसका मतलब है फिर रिन्यूअल तो महंगी पड़ रही है हमें, पता नहीं कराएं ना कराएं, तो फिलहाल इसको छोड़ दें। सो व्हाट इज लीगल लाइफ नाउ? शॉर्टर 10। सो इसको डेप्रिशिएट किस पे करेंगे? 10 इयर्स पे। रिन्यूअल कॉस्ट तो अब बहुत ज्यादा थी, ये मिनिमल नहीं थी। अब डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवेल्यूशन सरप्लस, पी एंड एल। सोल्यूशन में चारों का अलग अलग बनेंगे ना ये वर्किंग। जी डेट बताएं, कॉस्ट 200, डेप्रिसिएशन पहली दफा डेट डाल देंगे, मसला नहीं। 30 जून 2017 डेप्रिसिएशन। दो सौ डिवाइड बाय 180। रीवैल्यूड अमाउंट, डेट, रेवोल्यूशनरी 10, सुल्ताना, यस, तुम सुल्ताना हो? हाउ इज पॉसिबल, आई कांट बिलीव यू आर सुल्तान। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सबस पट्टी हो गई और ये कौन सा पट्टी? स्काई ब्लू पट्टी। तो दो पट्टी आया करेंगे हमारे सवाल में, सबस पट्टी
और स्काई ब्लू पट्टी। अब इसके बाद ये दिखाओ, जादुई छड़ी दिखाना। ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट अमोर्टाइजेशन डेबिट अकाउंटेड अमोर्टाइजेशन, ये पीएनएल में चली जाएगी क्योंकि इसने पीएनएल मांगा हुआ। एसेट क्रेडिट पीएनएल डेबिट, तो पीएनएल डेबिट मींस रिवैल्यूएशन लॉस, तो दो चीजें जाएंगी पीएनएल में, डिप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, और बैलेंस शीट में चला जाएगा 170। तो तूने मांगा क्या हुआ है, बैलेंस शीट और पीएनएल। इसी तरह चारों को लेके चलेंगे, लेकिन जब हम आएंगे इनटेंजिबल नंबर डी की तरफ तो उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है। तो इनटेंजिबल्स में हमने पढ़ा था कि जिस इनटेंजिबल की एक्टिव मार्केट अवेलेबल, उस इनटेंजिबल को रिवैल्यू नहीं किया जाता। एक बंदे ने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आया जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी हमने उनके का रिश्ता नहीं किया था, उन्होंने हमारे का रिश्ता नहीं किया हुआ था। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मतलब ये होता है कंपनीज में कि एक दूसरे के शेयर नहीं खरीदे हुए उन्होंने। तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने कहा कि इसकी कीमत 130 मिलियन है। तो अब इसकी कीमत 130 मिलियन है तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की है या एक्टिव मार्केट की है? इसका मार्केट मार्केट है ही नहीं, तो फिर मार्केट जिसकी है ही नहीं उस इंटेंजिबल को रिवैल्यू करने का फायदा ही नहीं है। इसलिए इस 130 को कह के इग्नोर कर देना था और इसको रिवैल्यू नहीं करना था। और जब इसकी कैलकुलेशन आपने करनी थी तो खाली यहां तक करनी थी, तो मुझे नहीं पता फिगर्स क्या आनी थी, ये पीएनएल में चला जाना था और ये बैलेंस शीट में चला जाना। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर एग्जाम्स। यानी अगर इंटेंजिबल बी और सी आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कंपनी पढ़ा के जिम्मेदारी नहीं लेती। तो ये सवाल था, खोलने की जरूरत नहीं, इसका सोल्यूशन शायद था अगले सफ़े पे। इस सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, तो फिर पी एंड एल बैलेंस शीट दोनों ही बना देते हैं, दिल में आया तो स्टूडेंट्स इन इक्विटी भी बना देंगे। तो दो हज़ार सात, दो हज़ार आठ और दो हज़ार नौ, अच्छा जी अब प्लान करते हैं, देखें चीजों को कैसे लेके चलना है। एसओसीआई पीएनएल ओसीआई 2007 2008 2009, अच्छा अपना एंट्रीज करते रहना बस। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंटेडेप्शन क्रेडिट कितना 190। एसेट ये जो पी एंड एल है ना, इसमें वो जो अकाउंटेडेप्शन डेबिट और एसेट क्रेडिट, वो वामा वाली एंट्री होती है, वामा वाली एंट्री पी एंड एल में नहीं जाती। एसेट क्रेडिट रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट कितने से 40। नाइफ थले ब्रीदिंग। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंटेडेप्शन क्रेडिट एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट पी एंड एल क्रेडिट कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस और पी एंड एल डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंटेडेप्शन क्रेडिट कितना 3। पीएनएल बन गया, बैलेंस शीट बना लेते हैं। वो सरप्लस डेबिट रिटेंड अर्निंग वाली क्रेडिट एंट्री डायरेक्ट होनी है एसओ
सी आई ई में, तो आप लोग कोशिश करें हर साल की जनरल एंट्रीज देख के अपने रजिस्टर पर फिर ये बनाएं। पता नहीं क्यों एक कुछ लोग ऐसे गौर से देख रहे हैं यार, दोबारा देख लें, एक मिनट दस दे दें। डेबिट डेबिट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट में चला जाएगा एसेट क्रेडिट पी एंड एल डेबिट, ये रिवेल्यूशन लॉस में चला जाएगा। डेबिट डेबिट या डेबिट में चली जाएगी, ये वाला जरा देख लें, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट एंड पी एंड एल, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और पी एंड एल क्रेडिट, चले नोट। जी एक्सचेंज गेन लॉस जो है ना, रिवैल्यूएशन गेन लॉस के साथ ही मर्ज होकर एंट्रीज में चला गया, तो उसको सेपरेटली फिर शो करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी तो यही होता था, आईएस 40 में भी तो यही होता था कि फेयर वैल्यू गेन लॉस बस पी एंड एल में जाता था, उसमें फिर रिवैल्यूएशन गेन लॉस खुद ही आ जाता था, सॉरी वो एक्सचेंज गेन लॉस खुद ही आ जाता था। तो एक्सचेंज गेन लॉस अलग से कैसे शो करें, उसी के अंदर मर्ज हो क्या रहा है जी। थोड़ा सा ऊपर कर लें 190 को, ऊपर कर लें। अच्छा जी, बैलेंस शीट, इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, नॉन करंट एसेट्स, पीपी, सेल्फ आउट, नाउ इधर बस कैरिंग अमाउंट्स वाला कॉलम आएगा, कॉलम तो नहीं उसको रो कहते हैं, कैरिंग अमाउंट वाली रो आएगी। पी एंड एल वाली रो में से कुछ, पी एंड एल वाले कॉलम में से कुछ नहीं उठाना, बस इसका कैरी डाउन और इसका कैरी डाउन, ये मैंने लाइनें लगाई हुई हैं पहला साल ख़त्म होने की। 760 मुझे भी तो चल लेने दें, मैंने भी तो फीस दी हुई है। 540 पी एंड एल वाले में कुछ नहीं करना, बस 540 700 भी और 320 भी, एज ऑन है ना, अभी अभी तक रिवैल्यूएशन में कुछ था नहीं ना, इधर जीरो था। ये देखिए ट्राई कीजिए, 320 सर्दी लग रही है, खोलो हाथ, 700 320। अच्छा बैलेंस शीट में कौन सा सरप्लस जाना चाहिए, जो क्रिएट हुआ या जो शिफ्ट होके एज ऑन बच गया? मैंने कहा कैरिंग अमाउंट वाली चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी, इस पे किसी को हैरानी तो नहीं हुई, कैरिंग अमाउंट वाली चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी, लेकिन पी एंड एल से कुछ नहीं बैलेंस शीट में जाएगा। पी एंड एल बैलेंस शीट में चला जाए तो पी एंड एल बैलेंस शीट पे पुपो का करे जो मर्जी करें। तो 700 320
3 20. अब अगर कोई आपसे पूछे मेरे से किसने पूछना है, तेरे कुछ नहीं होता, हो सकता है कोई पूछ ले। अगर कोई आपसे पूछे कि इधर सरप्लस आ रहा है 480 का फॉर द ईयर और एज ऑन 320 आ रहा है, तो आप उसे कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी मैंने बनाई नहीं, अगर वो बनती तो उसमें मैं सरप्लस को डेबिट कर देता और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर देता और ये फिर इस वजह से 320 आ रहा है। लेकिन मैंने तो आपको आसान तरीका बता दिया, मैंने कहा इतना सोचने की जरूरत नहीं, कौन सी वाली चीज़ें उठा लें, CA कर रहे हैं तो CA वाली, तो CA कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में कौन सी वाली चीज़ें उठा लें, CA वाली। CA का क्या मतलब है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, कैरिंग अमाउंट। वो तो PRC वाले को चार्टर्ड के स्पेलिंग पूछ लो तो कई लोगों को परेशान हो जाते हैं। FCA उन्होंने फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंट बनाया होता है। ओके अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग को मैं नहीं कुछ कर रहा क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में इस साल का प्रॉफिट भी आना है पैट, वो सवाल में अवेलेबल नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग का कोई बैलेंस बैलेंस नहीं है। ग्रीन पट्टी हम किसके लिए यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन के लिए, और स्काई ब्लू पट्टी रिवैल्यूएशन के लिए, और येलो पट्टी डिस्पोजल के लिए, कभी डिस्पोजल भी तो आ सकती है ना, बस देखते रहिएगा कल की क्लास में होना क्या क्या है, होना सुबह क्या क्या है, शाम को देखिएगा सुबह शाम क्या क्या होगा। कितने मेरे फ्यूचर की फिक्र कर रहे हैं, दो दो दफ़ा बुला रहे हैं मुझे, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा फिक्र करेगा कोई मेरी, तो वाह आई एम सो मच ब्लेस्ड, दैट्स ग्रेट। मैं तो कहता हूँ इतवार को भी बुला लिया करें, मैं तो दिल ही नहीं जाता अब रूम में बैठने को, दिल जाता है पढ़ते ही रहूँ बस, मैं तो ऐसे पता नहीं पढ़ाई से मोहब्बत सी हो गई है मुझे, पता नहीं ये मसला है या सही बात है, ये क्या चीज़ है। चैप्टर ही भूल गया कौन सा कर रहे थे, इतनी मोहब्बत हो गई है पढ़ाई से। ISTEL पेज नंबर 343 असल में आप लोग तैयार होके नहा धो के आ जाए हुए हैं फ्रेश माइंड के साथ, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब सवाल शुरू होने लगा है। ये कल हमने किया था टैक्स रेट उड़ा के, आज हम करने लगे हैं टैक्स रेट डाल के। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आई विश देयर वुड हैव बीन अ डस्टर एंड देयर वुड हैव बीन समवन हु मिटा इट फॉर अस। डेट जिसने सारा पढ़ा होता है ना वो इंशाल्लाह इजीली 50 मार्क्स ढूंढ लेते हैं पेपर में से। What are the weekend plans? What are the weekend plans? पढ़ पढ़ के लुट मचानी है, लुट मचा के पढ़ेंगे। अच्छा ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अब मैं दूसरी दफा डालने लगा हूं आज, लेकिन ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से पहले एक मैं चीज डालने लगा हूं, टैक्स इंपैक्ट, फर्ज कर लें DTL। और नेट सरप्लस रशीद सैड से हट जा, दो कॉलम पै गए ने आज आखिरी कुछ होने लगे, हुण तंग ना करी मैनू, एंड तक तंग ना करी, दो कॉलम होर आ गए ने, कुछ होने लगे अज मेरा सफा ही मुक्कण वाला है। साथ वाले से एक्स्ट्रा शीट लेके अटैच कर लें। 1 July 2010 cost, why are you so mota? लोग आजकल डाइटिंग की तरफ जा रहे हैं मार्कर, तू दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है।
मैं आलू खाता हूं, फ्राइज खाने वाले तो बहुत जल्दी आसमान। भाई बॉयल करके खा लिया करें, वो तेल में डाल के। 10 years, ये फ्राइज के दीवाने। खुदा के लिए अपने फ्यूचर की फिक्र करें, सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो ये इन चीजों को जरा। ऊपर तो नहीं मिलते हैं, उधर कैंटीन से मिलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए बेहोश होना पड़ेगा आज, आज नहीं ऐसे मिलेगा। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट इज 450। ये पहला साल हो गया जी, एक साल हो गया। रीवैल्यूड अमाउंट यकम जुलाई 11, रेवोल्यूशनरी सरप्लस। जी वार्म अप की एंट्री इग्नोर करें, वो करेंगे हम। फिलहाल मुझे ये बताएं कि इस 180 की एंट्री हमने क्या पढ़ी थी जब कल टैक्स रेट नहीं दिया हुआ था। ऐसा डेबिट सरप्लस इन प्लान डेबिट कितना? 180। लेकिन आज ये एंट्री नहीं लिखनी, आज इस अनरियलाइज खुशी में गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा। जैसे आप प्रॉफिट्स कमाते हैं गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ऐसे अनरियलाइज खुशियों पे भी गवर्नमेंट टैक्स मांगती है। लेकिन ऑब्वियसली इसको हम करंट टैक्स में कभी भी नहीं डाला करेंगे, इसको हम डेफर्ड टैक्स में डालेंगे कि जब कभी ये एसेट बिकेगा फ्यूचर में तो उस वक्त हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जब कभी ये एसेट फ्यूचर में बिकेगा तो तब हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो इस एंट्री को अगर मैं करने के बाद एक और एंट्री करूं कि डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, मुझे बताएं गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? गेन, रिवेल्यूशन गेन आ रहा है। गेन पे टैक्स देने की लायबिलिटी बुक करूं या सेविंग बुक करूं? कब ये करना है टैक्स देना है? जब कभी एसेट चाहे 10 साल बाद बिके 15 साल बाद बिके, डेफर करके बस टैक्स आपने देना है। डेफर टैक्स लायबिलिटी कितना गेन आया है? 180। जरा 54 किसका बनता है 180 में से? गवर्नमेंट का बनता है। अब सवाल ये राइज होगा कि जिस वक्त मैं एसओसीआई बनाऊंगा उसमें मैं पीएनएल बनाऊंगा और ओसीआई। पीएनएल में आपको पता होता है टैक्स लेस सीटी डीटी और पैट। उस एंट्री को जब मैं पोस्ट करूंगा तो रिवेल्यूशन सरप्लस आ जाएगा 180 और खर्चा आ जाएगा 54। ऑब्वियसली 54 जब लेस का साइन लगेगा तो डब्बे में जाके नीचे होगा तो ये माइनस ही होना है। 54 चा खर्चा तो ऐसे शो करके ओवरऑल तो नेगेटिव ही होना ना। तो अब इस पर एतराज क्या किया जा सकता है ये जरा बता दें। खुशी
आउटसाइड पी एंड एल बुक हो रही है, आउटसाइड ओसीआई नहीं, एसओसीआई नहीं, विद इन एसओसीआई, दिस ऑल इज एसओसीआई, दिस इज पी एंड एल, दिस इज, एक डायग्राम से अगर ध्यान में आप लाएं, एक सर्कल ये बना हुआ है ओसीआई, एक सर्कल ये बना हुआ है पी एंड एल, एक सर्कल ओवरऑल बना हुआ है जिसने इन दोनों सर्कल्स को अपने अंदर लिया हुआ है एसओसीआई। तो इस पे अकाउंटेंट्स ने यह एतराज किया कि अनरियलाइज्ड गेन इज रिकॉर्डेड आउटसाइड पी एंड एल, पी एंड एल से बाहर रिकॉर्ड करें ना, एंड द टैक्स इफेक्ट ऑफ दैट गेन इज रिकॉर्डेड इनसाइड पी एंड एल। तो पी एंड एल ने हाथ खड़े कर दिए, हाँ अगर ये एसेट बिक गया होता तो फिर ये ओसीआई की बजाय यहां अदर इनकम में आ जाता, फिर उसका टैक्स अगर इधर डालना होता तो वो कोई मसला नहीं था, वो तो बल्कि सीटीई में बल्कि जाना था क्योंकि इसी साल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ना था हमें। तो अब क्या करें, खर्चा रिकॉर्ड करें या सरप्लस कम करें? बेहतर ये है कि इस तरह ना करें, खर्चा रिकॉर्ड ना करें, इसको अंदर बुलाएं और खर्चा यहां रिकॉर्ड कर लें, खुशी रिकॉर्ड हो रही है, खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, यूजर को बताएं तुम्हारी खुशी ही 126 है, उसे क्यों धोखा देना कि तुम्हारी खुशी 180 है, और रियलिटी भी यही है कि ये 180 जो मर्जी कर लो तुम घर लेके नहीं जा सकते, कल कलां को देखना जब भी ये 180 का गेन आना है तो हुकूमत ने इसमें अपना हिस्सा मांगना है, तो आज से ही उसको बता दें तुम्हारी खुशी ही 126 है। लेकिन हम ये काम इधर नहीं करेंगे, हम एंट्री ही ऐसी कर दिया करेंगे कि 126 ही एंट्री के अंदर आए, अभी 126 नजर नहीं आ रहा था, तो हम इस सब की बजाय और ये एंट्री कर लिया करेंगे, ये एंट्रीज बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इसको मैं सही कर दूं माजरत, इसमें ये एंट्री है रिवेल्यूशन सरप्लस ओसीआई में जाके डेबिट करना है, ये एंट्री सही है, खर्चा बुक करें या सरप्लस कम करें, ये सही एंट्री है, डीटी डेबिट नहीं बल्कि वो जो अनरियलाइज खुशी रिकॉर्ड की थी उसी को कम कर दें। अगर इसकी जगह एक और एंट्री हो जाए आसान सी, प्लान डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन, तो 180 की खुशी आई, उसमें 30% हुकूमत तुम्हारा और उसमें 70% हमारा, आज डीटीएल के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एक नई चीज जाएगी 54 के नाम से, ये डीटीएल अकाउंट में जाएगी और इसके साथ डीटी ही नहीं लिखा होगा, जब ये डीटीएल का अकाउंट में बनाऊंगा तो यहां प्लांट का लफ्ज लिखा होगा, प्लांट अकाउंट में 180 जाएगा, इस अकाउंट में 180 नहीं जाएगा, इस अकाउंट में कितना जाएगा डेफर करके टैक्स, आज तक ब्रॉडडाउन आता था, कैरेडाउन आता था, डीटीई आता था, आज के बाद एक नया लफ्ज यहां आया करेगा अकाउंट में प्लांट का, ये सारा फड्डा हुआ है आइटम्स आउटसाइड पी एंड एल की वजह से, आज तक हम आइटम्स इनसाइड पी एंड एल से खेल रहे थे, तो अब एंट्री करने का, अच्छा इधर देखें, ये एंट्री पहले मैंने आपको कराई थी, ये तो आपको समझ भी आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कहा इसको ब्रैकेट में ले लें और ये एंट्री ज्यादा मुनासिब है, एसेट डेबिट अनरियलाइज्ड खुशी क्रेडिट, अनरियलाइज्ड खुशी को ही कम कर दें आप और ये कर दें, ये एंट्रीज भी एक्सेप्टेबल हैं, पेपर में आप करेंगे आई कैप कुछ नहीं कहेगा आपको, खुशी बुक की बाद में खुशी कम कर ली, लेकिन बेहतर क्या तरीका है कि एसेट बढ़ाएं, डीटीएल रिकॉर्ड करें और इसको नेट करके बुक करने का तरीका यह है कि ऑलरेडी किससे मल्टीप्लाई कर दें शुरू में ही 70% से, तो अभी एंट्रीज तो मैं कहीं और आपको लिखवाऊंगा, फिलहाल किताब के ऊपर जो है वो ये दो एंट्रीज लिख लें, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, हम यही वाला किया करेंगे। अच्छा आज ना आपने अटेंटिव रहना यार, बातें बहुत आसान है, मेन कॉन्सेप्ट डिलीवर होके खत्म हो चुका हुआ है, आगे बस इसकी रिविजन है। अब
अच्छा, अब हम असल में इस ग्रॉस गेन को स्प्लिट कर दिया करेंगे। इसका 30% इधर ले जाया करेंगे और इसका 70% इधर ले जाया करेंगे। तो इस 180 को पकड़ के आप बताएं 30% कितना बनता है? 54, 126। आप बता दें, एक मिनट, आप बता दें आपको कितने कॉलम नजर आ रहे हैं? एक, दो, इसको तो छोड़े ना, एक, दो, तीन, चार। जनरल एंट्रीज करते हुए अब हमारे सामने कितने कॉलम होने चाहिए? नो, नॉट एट ऑल, नो, एक, दो, तीन, चार नहीं। फिर पता नहीं आपने क्या गुल खिला देने हैं, सोच के बताएं। भाई इसको ब्रेक कर दिया हमने 180 को, कुछ भी नहीं किया। ये ग्रॉस रिवेल्यूशन सरप्लस, इसका नाम मैं रखना चाहता था लेकिन छोड़े, पर क्यों रखना, इसका नाम ग्रॉस रिवेल्यूशन सरप्लस है। ग्रॉस को तोड़ के कितने हिस्से कर दिए? ये कर देने के बाद जब आपने चीज को तोड़ दिया तो फिर चीज टूट चुकी है, फिर चीज को क्यों देखना? अब एंट्री बताएं, एसेट प्लस, प्लस जमा हो रहा है, डीटीएल प्लस क्रेडिट और सरप्लस प्लस वो भी क्रेडिट। अच्छा अब देखें, ये जो एंट्री हुई है वो नीचे यही नहीं बन रही, एसेट डेबिट हुकूमत को टैक्स देने की डेफर करके लाइबिलिटी क्रेडिट। अब वो जो ब्रेकटेम रुकटों में ये मैंने किए, ये नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह पेपर में, ये इसी टेबल से आ जाएगा। डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस नेट इन ओसीआई कितना? तो ग्रॉस वाले सरप्लस को तोड़ के हमने कहां कर दिया? दो में तकसीम कर दिया। तो खुशी कितनी हुई? ये हुकूमत तुम ले लेना और ये हमें इंजॉय करने दो। ये जरा बना ले, यहां नहीं जाएगा डीटी, इधर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा क्योंकि देखना मैं 126 यहां से उठा रहा हूं, ये देखें 126 यहां से उठा रहा हूं, तो फिर ब्रैकेट में क्या लिखूं, कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत। लेकिन पता ये होना चाहिए कि ये सरप्लस नेट है, हाँ भाई ग्लूकोज मांग रहे थे, ग्लूकोज मंगवा दें। दस्तर मुझे दे दो। वैसे पूरा भी हमने एसओसीआई वगैरह बना, साला बनाना है हमने, अभी इधर आके मैं शो करता हूँ। किस रो में चाहिए था? इधर हाथ खड़ा करें, उस थर्ड लास्ट रो में दे दो। अच्छा ये इधर आए आप, आंसर नंबर 21, देखें भाई इधर, ये हमारा साल है पहला वाला, ये हमारा अगला वाला साल है।
अच्छा अब मुझे ये बताएं कि कल ये 180 आपको नजर आ रहा था, आज अब ऐसे हो जाएगा। अब एंट्रीज कर लेते हैं। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्शन डेबिट, अकाउंट डेप्शन क्रेडिट, ये पिछले साल की एंट्रीज हो गई। इसके नीचे दो लाइनें हम इंशाल्लाह अभी छोड़ेंगे, एक सीटी की एंट्री करनी है इस साल, एक डीटी की एंट्री करनी है। तो इस साल एक एंट्री ये होगी, दो एंट्री ये होगी, और तीसरी चौथी एंट्री की जगह छोड़ देंगे। हर साल दो एंट्रीज की जगह छोड़ देंगे, सीटी और डीटी। इसके बाद अगली एंट्री होगी अकाउंट डेप्शन डेबिट प्लांट क्रेडिट, वो ये इस 50 से होगी। आखिरी जो एंट्री जो आज हमने सीखी है वो ये है, प्लान डेबिट डीटीएल टैक्स ऑन सरप्लस, प्लान डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो बेसिकली दिस 180 इज स्प्लिट इनटू 54 एंड 126। ये थोड़ा सा इधर चला गया, थोड़ा सा इधर चला गया। चलें जी अगला पेज निकालें, चलें एंट्रीज करना शुरू करें। ईयर एंड 30 जून 2011, यकम जुलाई 10 प्लान डेबिट। हाँ जी जी, सीटी की एंट्री की जगह छोड़ दी और डीटी की एंट्री की जगह छोड़ दी। नेक्स्ट, साथ वाले को देख के बताएं, सर्दियां आ गई हैं या आ रही हैं, रही हैं, गई हैं। ध्यान रखा करें अपना, बोतलें बोतलें ठंडा पानी है ये फ्रिज फ्रुज से। ईयर एंड 30 जून 2012, यकम जुलाई 11। अब इंशाल्लाह मैं तीन सालों की एंट्रीज आमने सामने करूंगा, आप लोग जैसे मर्जी करें ताकि ज़रा एक रिदम बरकरार रहे। वार्म अप की एंट्री अकोमोडेशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, प्लान डेबिट 180, डीटीएल क्रेडिट 54, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 126। प्लान डेबिट 180, डीटीएल क्रेडिट 180 हम खुशी नेट बुक कर रहे हैं। अगर किसी ने हमारी खुशियां छीन लेनी है तो हमारी खुशियां ही नेट हो गई ना। ओके, आप जी डेट बताएं। जबरदस्त,
डेप्रिसिएशन. किसको खत्म करना है? 630 को. किसको खत्म करना है? 630 को. या साथ वाले के बैग में सैंडविच को खत्म करना है. 600 किसको खत्म करना है? 630 को. कितने साल हो गए? टोटल 10 माइनस 1 दस. नाइस. विदाउट कल तो लेटर यू आर गोइंग 630. अच्छा पहले जरा ये थलिया थलिया हाँ बुला लें सबको प्यार से. और कहाँ ग्लूकोज चाहिए? ठीक है. अच्छा नेक्स्ट. अब डिप्रिसिएशन ओवर 9 इयर्स लिख दें आप. ओवर 9 इयर्स. अब ना हर जगह 9 से डिवाइड कर दें, या मेरे ख्याल से बेहतर तरीका यही है पुराना वाला. इधर 9 से डिवाइड करें, इधर 9 से डिवाइड करें, फिर इस ग्रॉस को तोड़ के 2 में ले जाएं. वो आपकी मर्जी है. अब बस तोड़ना इस कॉलम को है और किसी कॉलम को नहीं तोड़ना. जैसे तोड़ना तरबूज को होता है, तोड़ना इस कॉलम को है. ये तरबूज है, दबाना इसको समझेंगे आज के बाद हम. सेवन. आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 50. खास हालात वाली, इसमें जो मेंटल डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, इंक्रीमेंटल, ज्यादा डेप्रिसिएशन 20. अब वही काम जो आपने कल सरप्लस के साथ किया था कि इसको कम किया था, आज सरप्लस से जो चीजें पैदा हुई हैं उनके साथ भी वही काम करें. अब मेरे ख्याल से यहां पे आपको 54 डिवाइड बाय 9 करने की जरूरत नहीं है, 126 डिवाइड बाय 9 करने की जरूरत नहीं है. वो काम कर लें जो थोड़ी देर पहले किया था. 20 इंटू 30% 6. अच्छा जी, नाउ डेट बता दें. 30 जून 12. मेरी तरफ देख रहे हैं, मुस्करा रहा है. ग्लूकोज पानी पी के, ग्लूकोआइज्ड. भाई ये 2 डब्बे मंगवाए थे हाइब्रिड वालों के लिए भी, पड़े हैं. चलो कल मंगवा लेना. अच्छा बच्चे काम है, उधर डबियां भी चल जाएंगी. जी अच्छा नेक्स्ट. अब आप मुझे ये बताएं कि सब कुछ मेरे से ही पूछते हैं, खुद भी कुछ बता दिया करें. अब आप मुझे ये बताएं इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट. सबस पट्टी है ना. इसकी एंट्री क्या होगी? डीटीएल और डीटीई क्रेडिट. क्योंकि ये जो 6 है ये डेप्रिसिएशन की वजह से. डेप्रिसिएशन विद इन पी एंड एल है या आउटसाइड पी एंड एल है? जल्दी सोच के बताएं. डेप्रिसिएशन आउटसाइड पी एंड एल होती है. लो जी, कर लो गाल तो फाड़ लो कान, तो कर लो गाल तो फाड़ लो कान. लोग फरमा रहे हैं कि हम डेप्रिसिएशन को डाला करेंगे ओसीआई में. डेप्रिसिएशन आउटसाइड पी एंड एल होती है या विद इन पी एंड एल होती है? देखिएगा डेप्रिसिएशन कहां जा रही है. रोक सके तो रोक लें, रोक सके तो रोक लें. पहुंच गई, कोई नहीं रोक सका. तो डेप्रिसिएशन तो पी एंड एल में जाती है. तो डेप्रिसिएशन पी एंड एल में जाती है तो उसके टैक्स असरात भी. इसलिए आप परेशान नहीं होना. सर ये लाइबिलिटी आप ऐसे कम क्यों कर रहे हैं? चलो ये तो समझ आ गया, डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट इसकी एंट्री करनी है. लाइबिलिटी कम क्यों कर रहे हैं? लाइबिलिटी कम होनी चाहिए ना. असल में आपका ख्याल था कि एसेट महंगा है
और उस पर डेफर करके गवर्नमेंट को टैक्स देना है, लेकिन जब एक साल गुजरा ना तो एसेट अपनी कीमत इस्तेमाल होने की वजह से लूज कर गया। अब शायद इतना ज़्यादा टैक्स नहीं आपको देना पड़ेगा क्योंकि एसेट भी अपनी कीमत लूज़ कर गया, एसेट पुराना हो गया है। तो वो जो आपने लाइबिलिटी बुक की थी ना कि मैंने गवर्नमेंट को शायद पैसे देने हैं, तो गवर्नमेंट को कह दें नहीं पुत्र हॉन नहीं, अब हमारा एसेट थोड़ा सा गिर गया वैल्यू में, अब तुझे इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे। शायद ये वजह है DTL डेबिट की। लेकिन आपको यहाँ से भी शायद आसानी से समझ आ रहा है, माइनस साइन लग रहा है यहाँ पे, तो DTL डेबिट DTE क्रेडिट। और इसकी एंट्री तो अल्लाह का शुक्र है आपको पता है 14 की, रिवेल्यूएशन सरप्लस इन OCI नहीं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में जाया करेगी, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। सर ये फिगर कम क्यों होगी? ऑब्वियसली आज इसने अपना रोल प्ले किया, कल तक ये नहीं था, आज ये आ गया, अब ये आ गया तो इसने तो फिर जब, और आपको ऑलरेडी पता है सरप्लस भी ऑलरेडी कम ही हो चुके हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं रिटेन अर्निंग में कल 20 शिफ्ट कर रहे थे आज 14 शिफ्ट कर रहे हैं, भाई सरप्लस ही थोड़ा रह गया, जब यही थोड़ा रह गया तो ये थोड़ा थोड़ा करके रिटेन अर्निंग में शिफ्ट होना है ना, कल ये ज़्यादा था तो 20 शिफ्ट हो रहा था, आज ये कम हो गया है, तो चीज़ें कम है तो हमें कम कम मिलेंगी, चीज़ें ज़्यादा थी तो हमें ज़्यादा ज़्यादा मिलेंगी। डन। अब एंट्रीज बताएं ग्रीन पट्टी की, डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन DTL डेबिट, और ये PNL टाइप चीज़ है DTE क्रेडिट, ये खर्चा कम हो रहा है, असल में हमें खुशी हो रही है, खुशी इस वजह से हो रही है DTL डेबिट DTE क्रेडिट, क्योंकि अब गवर्नमेंट को उतना टैक्स नहीं देना क्योंकि हमारा एसेट वैल्यू लूज कर गया। और इसके बाद सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, क्योंकि आज सरप्लस में लेके ही पूरा नहीं गए तो फिर रिटेन्ड अर्निंग में भी उतना ही करेंगे। डन। अच्छा ये मैं क्रॉस नहीं कर रहा इसको, यहां मैं लिख रहा हूं नो नीड ऑफ जर्नल एंट्री, इस 6 रुपए की जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने डेफर टैक्स का टी अकाउंट बनाना है ना तो बड़े वाले सवाल आया करेंगे, उसमें और बड़े डिफरेंसेस होते हैं इस साल, अकाउंटिंग टैक्सेशन का डिफरेंस होता है, ग्रेच्युटी एक्सपेंस ग्रेच्युटी पेड का डिफरेंस होता है, तो वो DTE इस अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंसिंग आ रहा है। अब मैं आपको ये अकाउंट बना के कहूं, एक मिसाल देता हूं, ये डेटर अकाउंट बनाऊं, ये 10 रुपए का और कैश है 70 रुपए, कैरी डाउन 0 है, मैं पूछूं आपसे सेल कितनी है, आप कहेंगे सेल कितनी है 60। अब मैं कहूं इस सेल में 5 रुपए एक ही सेल पड़ी हुई है, आप कहेंगे छोड़े परे यार बैलेंसिंग निकल आएगी उसमें एक ही सेल भी आ जाएगी, इस सेल में 2 रुपए बी की सेल भी पड़ी हुई है तो क्या इस तरह लिखूं सेल बी और बाकी की सेल 2 रुपए और 58, इस तरह करने की जरूरत है या खैर है सेल में जाने दे सारा। तो मेरे ख्याल से जब हम काफी दिनों से डेफर टैक्स अकाउंट बना रहे हैं उसमें BDCD डाल के DTE बैलेंसिंग पहले ही आ जाता है, तो फिर एक एंट्री में अगर DTE हिट हो रहा है तो उसको पोस्ट कर दें अकाउंट में, टाइम जाया करें, या एंट्री को स्किप कर दें, DTE वैसे ही बैलेंसिंग आ जाना है। तो कल तो एक एंट्री हमने सिरे से क्रॉस कर दी थी, वो 10 रुपीज़ वाली थी, आज क्रॉस ना करें, अपने समझने के लिए पहली क्लास है तो लिख लें नो नीड ऑफ जर्नल एंट्री, क्योंकि वो ऑलरेडी उस अकाउंट में हो जाएगी। कौन से अकाउंट में हो जाएगी? डेफर टैक्स अकाउंट में, जब DTE सारे बैलेंसिंग आएंगे तो ये वाला भी उसी में शामिल होगा। जैसे मैं कहूँ सेल बैलेंसिंग आनी है एक अकाउंट में, उसमें एक सेल सर आसिफ को है, तो आप कहेंगे वो जब सेल सारी बैलेंसिंग आएंगी वो वाली सेल भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो यहां स्टार्ट डाल के 6 के ऊपर लिखें, इसकी एंट्री हम इसलिए नहीं करते, एंट्री लिख लें पहले DTL डेबिट DTE क्रेडिट, 6 को स्टार्ट डाल के ना रजिस्टर के ऊपर ही कहीं साइड पे ऊपर नीचे, क्योंकि अब मेन एंट्रीज में तो नहीं लाना इसको, तो DTL डेबिट DTE क्रेडिट ये एंट्री लिखें, फिर आगे वजह लिख लें। ये एंट्री हम इसलिए नहीं करते क्योंकि डेफर टैक्स अकाउंट में DTE बैलेंसिंग आ ही जाने हैं बाकियों के साथ, ये भी, ये एंट्री हम इसलिए नहीं करते क्योंकि डेफर टैक्स अकाउंट में बाकी एंट्रियों के साथ ये भी बैलेंसिंग आ ही जाने हैं।
ओके अब एंट्री बताएं, डेप्रिसिएशन डेबिट, पेन कहां गया? बोलें जी 30 जून 12 जी कितने से? अच्छा कल वाला रिदम बरकरार रखना है, ये वार्म अप की एंट्री, ये रिवेल्यूशन की एंट्री, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री और नीचे वाली एंट्री तब जब इसमें इंक्रीमेंटल डेप्शन पड़ी हो। तो मुझे याद पड़े कि कल रिवेल्यूशन के वक्त 2 एंट्रीज की थी और डेप्शन में जब ज़्यादा डेप्शन पड़ी हुई थी तब भी 2 एंट्रीज की। तो एंट्रियों का रिदम भी बदला था, कुछ करें एंट्रियाँ एंट्रीज होती हैं एंट्रियाँ, तो एंट्रियों का रिदम नहीं बदलना आपने। अब बोलें 70 6 की एंट्री पेपर में सोच लीजिएगा, कोई कर भी आएगा तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, लेकिन 14 की एंट्री जरूर करें। रिवेल्यूशन सरप्लस ओसीआई में नहीं रूट कराना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाना है। आज इंशाल्लाह बनाएंगे सारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी भी। रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट बोलें, दो एंट्रीज की जगह छोड़ दें, एक सीटी की, डीटी की एंट्री मैं इसलिए नहीं करा, पता नहीं वो डीटी की डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, क्या होना है वो टी कौन बना के पता चलेगा। बस ठीक है, दो एंट्रीज नीचे जगह छोड़ के खुली खुली करके ये 4 एंट्रीज मैंने आपको नोट करवाई हैं। ये एंट्री दोनों किसकी हैं? स्काई ब्लू पट्टी की। ये एंट्रीज किसकी हैं? स्काई ब्लू पट्टी की। और ये एंट्रीज किसकी हैं? ग्रीन पट्टी की। स्काई ब्लू पट्टी की कौन कितनी एंट्रीज होनी है? 2, वार्म अप और रिवेल्यूशन, ये हमेशा ही 2 होनी है। लेकिन ग्रीन पट्टी की अगर डेप्शन में ज़्यादा डेप्शन पड़ी हुई 50 से तो 2 एंट्रीज होंगी, अगर डेप्शन में कम डेप्शन पड़ी हुई 50 से 1 एंट्री होगी। आगे सी टी डी टी की तो एंट्री होनी होनी है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं अगला साल, पहले फिगर्स को उतार लें नीचे। जी ऑफ कर दें यार एसी। नेक्स्ट 1 जुलाई 12 रीवैल्यूड अमाउंट, सुल्ताना ग्लूकोज लिया 560 वाली चीज कितने पे चली गई? 320 पे। सरताज आई एम ब्रिंगिंग चिया सीड्स फॉर यू तुख मलंगा 240 जी, अलग अलग होते तुख और मलंगा, चिया सीड्स तुख मलंगे को नहीं कहते? अच्छा ये नहीं, मैं कल रिसर्च करके आऊंगा। आप लोगों की बात भी ठीक है लेकिन अब फोन क्या करें, मैं टाइम नहीं है। अच्छा पर्ची पर लिख के दे दें। आप मुझे ये बताएं कि अच्छा आखिरी 2 कॉलम्स को मिस करें, पहले पुराने पैटर्न पे ये दो कॉलम फिल कर लें, एंड पे फिर उसको तोड़ दीजिएगा। आखिरी 2 कॉलम्स को स्किप करें, आखिरी 2 कॉलम्स को स्किप करें, आप पुरानी तरतीब के ऊपर ये वाले 2 कॉलम ज़रा बना लें पहले, कल वाली तरतीब के ऊपर फिर आगे चलते हैं। इसको फर्क करेंगे तो कन्फ्यूजिंग है, ये जब बन जाएगा इंशाल्लाह इसको तोड़ देंगे। अभी फिलहाल इन दोनों को पूरा करें। कितना गम आया? 240। गम किसको खा लेगा और खुशियां ओं मर गई। अभी भी गम बच गया 80। छोड़ें पर टोटल क्या करने? अच्छा तोड़ना एक ही को है, दबाने को, और दबाना ये वाला कॉलम है तरबूज, और किसी को नहीं छेड़ना, ना खरबूजे को छेड़ना ना केले को छेड़ना है। आपने सिर्फ तरबूज
तो 160 को पकड़ें और इसके दो हिस्से कर दें। करो ना मेरे बेटा कैलकुलेटर पकड़ो। 160 × 30% गवर्नमेंट को डेफर करके कोई टैक्स नहीं देना आपने इस एसेट पे, क्यों? क्योंकि एसेट पे लॉस आ गया, उल्टा लॉस आ गया है, तो अब कौन सा टैक्स देना गवर्नमेंट को भी? और आगे यूजर्स को खुशी बरकरार रहे या यूजर्स को भी गमों में डाल दें? और क्या करना है हमने? यही करना है अकाउंटिंग में। 100 तो कुछ लोग ना इस तरह करते हैं पेपर में, वो भी मैं इजाजत दे दूंगा आपको एक दो दिन में, वो ये करते हैं कि वो चीजों को मिक्सअप नहीं करते, वो पुराने तरीके से ये तीनों कॉलम बना लेते हैं एंड तक, पुराने तरीके से तीनों कॉलम एंड तक बना लेते हैं क्योंकि उनमें कोई मसला नहीं है, और एंड पे सारे दवाने पकड़ के तड़ तोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। तो जब पांचों कॉलम इकट्ठे फिल करने हो, शायद किसी को होल उठते हैं, और साथ वाले को अक्सर उठते रहते हैं, तो इसलिए होल उठने वालों के लिए ये मेथोडोलॉजी भी है कि वो हमेशा पहले ये तीन कॉलम एंड तक बेशक बना लें, आखिर में दो कॉलम डाल दें। इसमें तो सिर्फ इसी को तोड़ना है, ये ग्रॉस सरप्लस, ये नेट सरप्लस, ये नेट होने की वजह। कोई माइकल लाल इसकी एंट्री बताया आज, आप खड़े हो जाएं, अच्छा बच्चा खड़े हो जाएं, स्टैंड अप, माशाल्लाह, जुमे की तैयारी करके आए हैं, जबरदस्त उतार सकता हूं। चल आप मुझे इसकी एंट्री बताओ, बोलो। एसेट क्रेडिट लॉस, सारे चुप रहे, बोलो। ये दवाना है, टूट चुका है, तरबूज है, वाटरमेलन है, टूट चुका है। तो टूटे हुए को क्यों बोल रहे हो? कि टूटे हुए जो टुकड़े हैं उनको बोलो। तो हॉन ठहर जा, हॉन ठहर जा, हॉन नहीं, बोलो। मेरी बाजू थकने से पहले एंट्री पूरी करनी है। एसेट क्रेडिट P&L डेबिट, सरप्लस इन OCI, सरप्लस इन। देखिए इस कॉलम में जो भी सरप्लस आना है ना, उसके साथ आपने एक लफ्ज बोलने इन आई, नहीं OCI, इन। ओके अब उधर लेके जाते हैं, उधर ज्यादा अच्छा, इधर ज्यादा अच्छा नजर आता है। ये कंपनी को वापस जमा कराएं। बैठ जाएं आप टिल फर्दर ऑर्डर्स। मैं भी कल अच्छी सी तैयारी करके आऊंगा, फिर मुझे भी खड़े करेंगे क्लास में। तड़ 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 तड़। कितनी आसान एंट्री है, देखें जरा। एसेट क्रेडिट P&L डेबिट DTL डेबिट सरप्लस इन OCI डेबिट। क्या हुआ, ये गाड़ी रुकती नहीं। कौन सा साल? अगला साल। वार्म अप की एंट्री कराएं। जिंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं कभी किसी ने करनी कि साथ वाला कहे इससे तो बात करने कोई दिल नहीं चाहता अब, ठीक है? जिंदगी में ऐसे जुमले नहीं बोलने, आप लोग नहीं करते, मैं एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं, अपने दिल को एड्रेस कर रहा हूं, ये समझ लें जी। अब एंट्री जरा देखें। प्लानट क्रेडिट P&L डेबिट DTL डेबिट सरप्लस इन OCI डेबिट। मैं क्रेडिट क्लास से जा रहा हूं। अच्छा, प्लानट क्रेडिट
240. P&L debit. DTL. एक तो गम बुक करें, दूसरा गवर्नमेंट को टैक्स देने की लायबिलिटी आप किताबों से वैनिश कर दें, डेफर करके जो टैक्स देने की लायबिलिटी थी, और यूज़र को बता दें भाईजान जाओ हूँ तुम सो जाओ लंबी तान के बजाई मुँह तो लेके सो जाओ, उनको ही खुशियाँ खुशियाँ नहीं. 112. जी इसी भाई पक्का बंद करा दें यार. टेल फर्दर ऑर्डर्स. ये वाला एसी, ये वाला एसी. उधर हाइब्रिड में क्या देख रहे हो? क्या बोलो ना, मुझे समझ नहीं आ रही. हाइब्रिड में क्या देख रहे हो? रिमोट उधर है, उधर तो बंदा नहीं है. प्रिंसिपल साहब को फोन करूं, बंदा भेजें. अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आज क्या पसंद करेंगे आगे. डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन जो जो मैंने सोचा हुआ था वही बोला करें. तो KMNO 4 पसंद करेंगे. ये वाला करना था बंद भाई, ये वाला तीसरे वाला डेप्री. इसको कितने सालों में खत्म कर दें? 8 सालों में. ये 10 की शायद बात की थी कल कि 80 का नुकसान एकदम रिकॉर्ड हो गया जिसकी वजह से फ्यूचर की डिप्रिसिएशन कम हो गई. तो वो जो डिप्रिसिएशन कम हो रही है उसमें 10 का फायदा हो रहा है हमें P&L में, कम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की वजह से. बस इससे ज्यादा नहीं इस पे सोचना. 30/13 क्या डिप्रिसिएशन में आम हालात वाले डिप्रिसिएशन है या खास हालात वाले डिप्रिसिएशन है? खास हालात वाली. खास हालात में एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन है, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है या कम है? कम का कोई अकाउंटिंग वालों ने नाम नहीं रखा हुआ, इसलिए इसको बस नॉर्मल तरीके से उठा के P&L में ले जाएं. डिंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है, लेकिन डिंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन कोई लफ्ज नहीं है. बोलें जी. ग्रीन पट्टी, ये आप लोगों ने भी हाईलाइटर हैं साथ वाले के पास, देखें स्काई ब्लू वाला ग्रीन वाला. डिप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट, डिप्रिसिएशन क्रेडिट. और इसको इग्नोर कर दें 10 को. डिप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट, बस एक ही एंट्री होगी. अगला साल, अब ये ना कहिएगा पूरा कर लिया है, अगला साल खुद पूरा करें. सबको मौका दें. डिप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट, डिप्रिसिएशन क्रेडिट. और CT DT की एंट्रीज की जगह छोड़ दें. अब हेडिंग डालें हियर एंड 30/6/2014 और उधर पहले पूरा करें. कॉल सुन लो, जितनी कॉल हैं सुन लो, जाओ क्लास ही होती है कॉलें सुनने के लिए. घर में तो बंदा मसरूफ होता है. माशाल्लाह बड़ी बरकत हो गई है ग्लूकोज में. कहीं चाहिए भाई ग्लूकोज? जल्दी करें. छात्र का चेहरा देख के बताएं ग्लूकोज चाहिए. ये दे दें पिछली रो में. बहुत बातें आ गई हैं तुम्हें लाहौर में रह रहे के, बहुत बातें आ गई हैं. जल्दी करो.
हाँ जी बेटे जाओ जाके अम्मी को उठाओ, फिर मैं आवाज मारूंगा, एक दफा मैं देख लूं गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। जी अब्बू मैं जा रहा हूँ सुल्ताना अम्मी को उठाने। क्या मानने नहीं इसे, क्या इसमें क्या गलत बात किया है इसमें, क्यों हंसे यहाँ? मुझे तो हंसी नहीं आई, सुल्ताना ही नाम है ना उसकी अम्मी का। क्या कह रहे हैं हम? बार बार बुलाते हैं थक जाएगी तू, बड़ा मुझे भी पता है तेरा। अच्छा इतने केयरिंग हो गए आप माशाल्लाह। अच्छा जी 560, लेकिन ये अपने अम्मी अबू के सामने नहीं बातें करनी। अच्छा रीवैल्यूड अमाउंट, ये टिप्स अलग से होंगे। रीवैल्यूड अमाउंट 560, ये कम जुलाई 13 रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा चौथे पांचवे कॉलम को हिट करें पांव से, छोड़ने पर अभी नहीं, ऐसे मुनासिब नहीं है। अच्छा 280 का गेन आया, पहले क्या खत्म करें? आप 210 को ले जाएं, इस दवाने को तोड़ें। 147 अब तो याद रहेगा ना, 210 की एंट्री नहीं करनी। सात साला शरीफ है या शरीफ? आपसे ज्यादा शायद उससे कोई भी नहीं जानता। कोई ऐसी कल के दिन की मोटिवेटिंग स्टोरी सुनाएं, कोई प्लान कैंसिल किया, दोस्तों ने कहा चलो चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, समोसा खा के आते हैं कैंटीन में, आपने कहा नहीं यार मैं तो पढ़ रहा हूँ मैं तो सीए, कोई ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरी कल की सुनाएं आप बताओ। हाँ अच्छा पार्ट टू बनाने, आपने पार्ट टू बनाओ, मैं हाथ खड़े कर दिया था आपने। और कोई मोटिवेटिंग स्टोरी कुछ तो ऐसा कल